हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मेरा नाम है इरफान। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 साल के बच्चे का पीक लेपल चेक्स मैच करके चेक्स मिलाकर कोट कटिंग करना बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। इसका मेज़रमेंट है लेंथ 17.25 इंच, शोल्डर 10.5 इंच, स्लीव लेंथ 14 इंच, चेस्ट 22 इंच, पेट 21 इंच, हिप 23 इंच और कॉलर है 10.5 इंच। सीना है 22 इंच, आर्मोल्ड ऑन करेंगे 6 इंच। यहाँ से 1 इंच ऊपर एक मार्क लगाएंगे, इस मार्क पे हमारा बैक कट होगा। लंबाई है 17.25 इंच, तो 17.25 इंच पे मार्क लगाएंगे। स्टमक का सेंटर लगाने के लिए लेंथ का हाफ करेंगे और प्लस 2 इंच, लंबाई का आधा और प्लस 2 इंच। अब ये सेम टू सेम मार्क एक और लगाकर मार्क स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ से 1 इंच पे मार्क लगाना है 1 इंच। ये छोटा बच्चे का है तो यहाँ 2 सूत ज़्यादा लगाएंगे, 1.25 इंच, यहाँ 1.5 इंच और यहाँ भी 1.5 इंच। कॉलर इसका 10.5 है, जितना भी कॉलर है उसका 1/5 हिस्सा कर लेना है। यहाँ से 3/4 1/4 इंच ऊपर एक मार्क लगाएंगे। यहाँ से हमने 3/4 1/4 इंच लगाया है और यहाँ से इसको ऐसे राउंड करेंगे। शोल्डर का हाफ करेंगे और प्लस 1/2 इंच मार्जिन। शोल्डर है 10.5, आधा 1/4 और 1/2 इंच सिलाई के लिए मार्जिन। ये हाफ और ये मार्जिन। अब ये सेम स्ट्रेट यहाँ भी रखेंगे और 1/4 इंच क्रॉस बैग कम कर देंगे। यहाँ हमने 3/4 1/4 इंच ऊपर किया है तो यहाँ भी 1/4 इंच ऐसे मेजरमेंट टेप को रखेंगे और शोल्डर डाउन करेंगे 1.5 इंच, 1.5 इंच। यहाँ 1/2 इंच मार्जिन। यहाँ स्टमक को 6 से डिवाइड करेंगे प्लस 1/2 इंच मार्जिन। पेट का 6/6 हिस्सा 3.5 इंच और 1/2 इंच मार्जिन। ये 4 इंच है टोटल, तो 1/2 इंच प्लस करके 4.5 इंच पे यहाँ नीचे मार्क लगाएंगे। यहाँ से दामन में मार्जिन रखेंगे 2 इंच। यहाँ से 1/2 इंच 1/2 इंच एक मार्क लगाकर इस मार्क को स्ट्रेट करेंगे। ये 1/2 इंच सिलाई के लिए मार्जिन और इसको 1/2 कर लेना है, एक बीच सेंटर लगा लेना है। ये सभी मार्क स्ट्रेट कर लेंगे, सीधा कर लेंगे।
यहाँ से चेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे, सीना का चौथा हिस्सा 5.5 इंच और यहाँ नीचे भी चौथा हिस्सा 5.5 इंच। यहाँ से 1/2 इंच तख्ते के लिए कम और इस मार्क को स्ट्रेट करेंगे। यहाँ से 1/4 इंच 1.14 इंच पे मार्क लगाएंगे। वेल्स पॉकेट बनाने के लिए यहाँ से डिस्टेंस रखेंगे 1.5 इंच और सीना इसका 22 इंच है तो यहाँ हम वेल्स पॉकेट बनाएंगे 2.25 इंच का। इसको एक 20 सेंटर लगा लेना है, हाफ कर लेना है यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर और यहाँ हम 1/2 इंच का सिंगल बोन बनाएंगे तो 1/2 इंच, यहाँ भी 1/2 इंच। यहाँ 1/4 इंच 3/4 पे एक मार्क लगाना है और इस मार्क से लंबाई का तीसरा हिस्सा, लेंथ का 3rd। इस वाले मार्क को मेजरमेंट करेंगे स्ट्रेट करने के लिए और यहां से 1/4 इंच अंदर एक मार्क लगाएंगे। यहाँ से 1/2 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। यहाँ से 1.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और यहाँ से फ्लाप के लिए मार्क लगाएंगे 1.5 इंच 1.5 इंच। यहाँ से 1 इंच मार्क लगाएंगे बॉटम राउंड करने के लिए। ये सिंगल बटन का कोट है और छोटे बच्चे का है तो यहाँ से 1.5 इंच ऊपर एक मार्क लगाएंगे और यहाँ से 1/2 इंच ऊपर एक मार्क लगाएंगे। इस वाले मार्क को ऐसे हाफ एंड हाफ कर लेंगे। हाफ करने के बाद इसको 1 सेंटीमीटर आगे की तरफ बढ़ा देना है, हाफ करना है और प्लस 1 सेंटीमीटर ऐसे। ये जो हमने हाफ किया है इस मार्क को कट कर देना है, इस वाले मार्क को फॉलो करना है। अब यहाँ से 1/2 इंच अंदर एक मार्क लगाना है, ये छोटे बच्चे का है इसलिए 1/2 इंच। यहाँ से 1/2 इंच ऊपर और यहाँ से 1.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे ऐसे। यहाँ हमने 1.5 इंच लगाया है और यहाँ 1/2 इंच ऊपर किया है तो यहाँ भी 1/2 इंच ऐसे रख के 1.5 इंच पे शोल्डर डाउन। अब यहाँ इस वाले मार्क पे बैक को ऐसे रखना है और 1 सेंटीमीटर 3 सूत कम कर देना है। यहाँ हम चेक्स मैच नहीं कर रहे हैं क्योंकि 3 सूत हमने कम किया है, यहाँ नम आएगा धमाक आएगा इसके लिए। यहाँ से 1 इंच ऊपर मार्क लगाएंगे
यहाँ से 2.25 इंच 2 इंच 1/4 यहाँ से लेपल का ब्रॉडनेस यानी कि लेपल का चौड़ाई रखेंगे। छोटा बच्चे का है तो 2.25 इंच रख रहे हैं हम 1 इंच 3/4। इसको हाफ कर लेंगे, एक बीच सेंटर लगा लेंगे। और इस वाले मार्क से ऐसे क्रॉस में रखेंगे 1.25 इंच पे 1 इंच 1/4। यह है सिलाई का मार्जिन, मार्जिन छोड़ के कट करना है, इस वाले मार्क पे कट होगा। ये जो मार्क हमने लगाया है ये मार्जिन का मार्क है, इसी मार्क पे कट होगा। यहाँ से एक मार्क लगाएंगे 1 इंच पे। इसको मेज़रमेंट करेंगे, ये जितना भी है उतना यहाँ ऐसे रखना है स्ट्रेट वाले मार्क पे, और यहाँ तक मेज़रमेंट करेंगे। इसको उठाकर इस वाले मार्क पे लेकर आएंगे और सीना है 22 इंच, 22 का आधा 11 इंच, चेस्ट का हाफ 11 इंच। अब इस वाले मार्क से मीडियम फिटिंग के लिए 4.25 से 4.5 इंच पे मार्क लगाना है। तो हम लगा रहे हैं मीडियम फिटिंग के लिए, कम्फर्ट फिटिंग के लिए 4.5 इंच पे, ये लूजिंग और प्लस सिलाई के लिए मार्जिन। यहाँ से इसको मेज़रमेंट करेंगे, ये है 4 इंच 4 इंच टोटल, तो 4 इंच को ऐसे इस मार्क पे स्ट्रेट रखना है और यहाँ तक मेज़रमेंट करेंगे। फिर उठाकर इस वाले मार्क पे रखेंगे और स्टमक का हाफ, पेट है 21 इंच, 21 का आधा 10.5 इंच 10.5, और मीडियम फिटिंग के लिए 3.5 इंच 3.5 इंच। अब इस वाले मार्क को मेज़रमेंट करेंगे और इसको भी ऐसे रखना है। हिप है 23 का हाफ करेंगे 11.5, हिप का आधा 11.5 इंच, और मीडियम फिटिंग के लिए यहाँ से 4.25 इंच। यहाँ हमने 0.5 इंच लगाया है तो यहाँ भी एक 0.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। दामन में मार्जिन 2 इंच। यहाँ से मार्जिन रख के कट कर देना है, 1 इंच 1.25 इंच 1.5 इंच, जितना मार्जिन रखना चाहते हो उतना मार्जिन रख के कट कर देना है।
इसका नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में मैंने आप लोगों को स्लीव, इसका बाजू का कटिंग करना बताया है।